के साथ हाजिर हैं जी। तो जैसे कि हमने वादा किया था जी कि हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने यूज़र रिव्यू की और अपने कार रिव्यू की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ही गाड़ी से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो हमारे पास है जो जी अल्हम्दुलिल्लाह नई जो है वो मित्सुबिशी ESX है, ठीक है, 2024 मॉडल। आपको वॉक अराउंड करवाएंगे और पूरी डिटेल बताएंगे जी कि गाड़ी की जो स्पेक्स हैं उसके साथ उसको ड्राइव पे भी लेके चलेंगे, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर में क्या चेंजेस हैं, न्यू और जो ओल्ड मॉडल है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो चले आएँ, स्टार्ट करते हैं हम जी अपने मेन हुड से, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। क्या फ्रंट लुक को देखें तो जी एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड मॉडल है, ठीक है, ये काफ़ी ही अग्रेसिव और काफ़ी ही रोबस्ट लुक देती है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट मॉडल था वो काफ़ी बल्कि डल शेप में था। तो जो न्यू मॉडल है बेसिकली उसकी जो ये ग्रिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वाइड और बहुत अच्छी और प्रोमिनेंट दी हैं, ज़्यादा है। इसके अलावा जो डी लैंप्स हैं इसके हैं जी DRL जो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, रात में तो इनकी खूबसूरती ज़रा और भी बढ़ जाती है। और अगर बात करें हम इसके फ्रंट हुड की तो ये मुझे थोड़ा लुक देता है जी जैसे सिविक एक्स है, ठीक है, ये तकरीबन उसकी जो कर्व्स हैं ऑलमोस्ट सेम मिलती जुलती हैं। साइड में अगर देखा जाए तो इसकी जो कर्व्स हैं वो स्टार्ट्स टू द एंड ये एक लाइन है सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा और कर्व भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस और दूसरे जो आउटलैंडर है या तो इसमें थोड़ा सा क्या थोड़ी बबली सी शेप है इसकी। तो बैक साइड पे अगर आ जाएँ, ठीक है, उसके अलावा जो हैजर्ड लाइट्स हैं और दूसरी उनकी शेप जो चेंज हुई है और बैक जो लाइट्स हैं उनकी जो शेप चेंज हुई है वो इंतहाई खूबसूरत उन्होंने बना दी है, स्पोर्टी लुक दी है इन्होंने, ठीक है। वो बम्पर यानी कि एज ये इन्होंने थोड़ा रेयर डिफ्यूज़र्स बनाए हैं, हैं तो फेक ही लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये अगर आप देखें ये लाइट तो आप को पता चलेगा कि ये बेसिकली स्पोर्ट्स कार की जो है ना वो एक थोड़ा सा रिजेंबल किया हुआ है थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए। जो बेसिक है जो मॉडल वो तीन वेरिएंट इसमें आते हैं जी, दो टू व्हील ड्राइव के साथ जिसमें एक 16 इंच है जो सिंपल रिम के साथ आते हैं और दो जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है उसमें फोर व्हील ड्राइव के साथ 18 इंचेस और ये सेकंड मॉडल आता है जिसमें 18 इंचेस अलॉय व्हील हैं बट टू व्हील ड्राइव है जी, ठीक। साइड में जितने भी जो साइड फेंडर्स हैं ये थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है जो वो भी इंतहाई मैच कर रहे हैं और खूबसूरत लगते हैं गाड़ी की जो लुक के साथ। तो रिवर्स सेंसर भी लगे हुए हैं, फ्रंट पर पार्किंग सेंसर हमें नहीं मिलेंगे, बैक साइड पे हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं और बैक कैमरा भी मिलता है। बात की जाए जी इसके इंटीरियर की, इंतहाई एलिगेंट और अगर मैं देखूं तो बिल्कुल मुझे होंडा सिटी का जो है ना सेंटर कंसोल और ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नज़र आता है, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है इंतहाई कम्फर्टेबल है, इंतहाई जो बिल्कुल मिडल में आ रही है जी, ठीक है। एंड्रॉयड ऑटो भी अवेलेबल है इसमें और कनेक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी है और 3.0 के साथ आती है, सही है। और देखा जाए डैश का, डैशबोर्ड इंतहाई लो है सो इसलिए इसकी विजिबिलिटी है जो जो एट द एंड जो आपका बिल्कुल टॉप बोनट तक जो है ना वो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ आपको क्लियरली नज़र आएगी। इसके अलावा जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है वो इंतहाई खूबसूरत इन्होंने बनाया विद लेदर स्टिचिंग और ये काफ़ी लुक देता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिमोट कंट्रोल बटन्स हैं, इसके अलावा फ़ोन ऑन ऑफ के बटन्स हैं, इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल है, उसको सेट और रीसेट करने के बटन्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जी इसके स्पीडोमीटर की तो इसमें हमें एनालॉग आ जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पर हमारे जो रेव के और दूसरी साइड पे जी स्पीडोमीटर के और दरमियान में इसके हमारी जितने भी इन्फो है वो सारी डिस्प्ले हो रही होगी जिसमें फ्यूल एवरेज है, उसके अलावा जो लास्ट ट्रिप है तो वहाँ पर एक जी स्पेसिफिक एक बटन दिया हुआ है इन्फो के साथ, अगर उसको हम दबाएंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करती जाएगी, एवरेज बताएगी, उसके अलावा जो कितने किलोमीटर जो लास्ट हमारी एवरेज स्पीड रही है वो बताएगी और कुछ सेटिंग मैनुअल है और उसके बाद जो ट्रिप की जो लास्ट ट्रिप की कितने किलोमीटर चली है वो भी डिस्प्ले में आएगी।
इसके अलावा जी साइड मिरर का बटन दिया हुआ है, ठीक है जी, जो हम इंटरनली जो उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। रिट्रैक्टेबल तो नहीं, जो उनकी पोजीशनिंग है वो चेंज की जा सकती है जी, योर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है। इसके अलावा जो जो इंफोटेनमेंट में है, हमारे जो बटन है होम और ये सारे सेंसिटिव है, ठीक है। इसके अलावा में रेयर व्यू कैमरा भी है, ठीक है, जो अच्छा खासा व्यू इसका आता है, ठीक है। और जो सीवीटी ड्राइव के साथ इसमें दो मोड आते हैं जी, सीवीटी डायरेक्ट ड्राइव जो सेम ड्राइव है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स का भी है और लोअर शिफ्ट भी देती है हमें। अगर बात की जाए जी इसके जो एसी कंट्रोल सारे नॉब्स ही हैं, ठीक है, मैनुअल नॉब्स हैं, सही है, कोई जो ऑटोमेटिक नहीं है। सारे स्टोरेज की स्टोरेज पर अगर देखा जाए, स्टोरेज मिल जाती है जो सेंट्रल कंसोल में। इसके अलावा दो जो रखने की जगह है, दो बॉटल रखने की जगह है। इसके अलावा सेंटर आर्म रेस्ट में भी थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाती है, जो साइड पर दोनों डोर्स के डोर बिन्स में भी थोड़ी थोड़ी जगह है, ठीक है जी। लेकिन चीज़ ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, जो पिछले वाले डोर हैं उनमें जी कुछ भी नहीं है ऐसा, तो हमारी जो स्पेस है वो सिर्फ इधर ही है जो है ना फ्रंट डोर्स पर ही है। सीट्स है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा बैक सीट्स ये आर्म रेस्ट के लिए, ये बैक फ्रंट पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैसेंजर भी, और दोनों जो इसमें इलेक्ट्रिक नहीं है जी, सारे के सारे मैनुअल ही है। अगर पिछले बैक सीट्स की कैपेसिटी की बात की जाए तो दरमियान में वो इसमें नहीं है, तो तीन बंदों के लिए अच्छी खासी जगह है, ठीक है। और काफ़ी आपका लेग रूम भी काफ़ी है और हेड रूम भी काफ़ी है। मेरी हाइट तकरीबन 5'11" है जी, ठीक है, और मैं इंतहाई कंफर्टेबल जो है ना वो बैठ सकता हूँ इधर। इंजन जो है MVAC MVAC भी बोलते हैं इसको जी, 2 लीटर इंजन के साथ आ रहा है, ठीक है, नेचुरली एस्पायरेटेड है। इसके अलावा जो 2 HC है, 2 HC 146 ब्रेक हॉर्स पावर है इसकी, ठीक है, और 197 जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। इंजन में मुझे जो खास बात लिखी है वो ये है कि टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से जो गाड़ी की ड्राइव है ना, ठीक है, उसका बड़ा तल्लुक रहता है। हॉर्स पावर चाहे जितनी मर्जी हो, अगर गाड़ी में टॉर्क नहीं है, ऑफ रोडिंग की है, वो कैपेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी इसकी। तो इसीलिए एक SUV होने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि गाड़ी में टॉर्क होना चाहिए जी। रेव करने पर जी गाड़ी की कुछ साउंड, इंजन साउंड इस तरह देगा, साउंड कुछ इस तरह आएगी जी। एग्जॉस्ट पाइप इधर है इसका, अभी हम जा रहे हैं जी इसको ड्राइव टेस्ट आपको करवाते हैं, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं आप रोड जो देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऑफ रोड पर है, ठीक है। तो गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो चलने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू जिस तरह हम होंडा के करते हैं, इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। और रही बात इसके कंफर्ट की, तो 18 इंचेस के अलाइबल होने के की वजह से जो इसकी जो ड्राइव है वो है तो हाइट पे भी है, एक तो हाइट काफ़ी है, और दूसरा ये कि जो मतलब इस तरह के रोडों पर भी बड़ी आसानी से चल जाती है। टॉप ऑफ द वेरिएंट जो मॉडल है वो 4-व्हील ड्राइव है, बट इसमें ये सेकंड मॉडल है 2-व्हील ड्राइव अलॉय व्हील जी, ठीक है, 18 इंच के आते हैं, तो इसकी वजह से इसकी कंफर्ट ज़रा और बढ़ जाता है। और रही बात दूसरा इसके इंटीरियर के हिसाब से, तो गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, कोई डैश की साउंड नहीं है, कोई सेंटर कंसोल की साउंड नहीं है। सेंटर कंसोल काफ़ी सॉलिड है, AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ जो कई CVTs को मैंने देखा है कि अगर आप उनको थ्रॉटल मतलब अगर ज़्यादा प्रेस करें तो वो एक जर्क लेके चलती हैं, तो इसमें वो भी कुछ खास इतना नहीं है, तो काफ़ी स्मूथ है जी। चले अभी हम चलते हैं जी मेन रोड पर, बताते हैं आपको ये किस तरह इसकी है ड्राइव। अभी हम आए हैं जी मेन रोड पर, भी मेन रोड पर भी आपको दिखा दें, ठीक है। ड्राइव मतलब ऐसा कुछ ये बहुत अच्छा रोड नहीं है, लेकिन फिर भी जो ड्राइव है इंतहाई स्मूथ है, और चलने में भी गाड़ी और थ्रॉटल रिस्पांस जो है इंस्टेंट गाड़ी लेती है विदाउट एनी लैगिंग, और नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन होने की वजह से जो इंजन काफ़ी स्ट्रांग है जी इसका, जो 2 लीटर इंजन के साथ है ये, और 146 BHP के ये ब्रेक हॉर्स पावर दे रही है, और अराउंड 197 यानी 200 Nm इसका टॉर्क है। तो ऑब्वियस ही बात है जितना ज़्यादा टॉर्क होगा तो वो गाड़ी वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट भी होगी, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। सो SUV होने की वजह से इसमें वो सारी खसूसियत है, इवन के 2-व्हील ड्राइव होने के लिए भी आपको लोअर शिफ्ट भी मिलती है गियर में, जो रमल में चलने के लिए टेस्ट किया था जी, ठीक है।
बहुत ज्यादा में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतनी कि जिसमें आम गाड़ी अगर फंस जाए तो ये निकल जाती थी इसके, क्योंकि व्हील बेस हाई होने की वजह से। सो जी गाइस, थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। तो हम इंशाल्लाह कोई भी सजेशन हो आप जरूर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।